हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों के फेसबुक के प्रोफाइल में अकाउंट रिस्ट्रक्शन क्यों आता है और जब आ जाए तो इसको हमने कैसे ख़त्म करना है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसको कैसे रिमूव करना है, यहाँ पर आप लोगों ने फेसबुक पे आना है। जब आप लोग फेसबुक आ जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने प्रोफाइल पे आना है। अपने प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर है नीचे सेटिंग एंड प्राइवेसी, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है सेटिंग, आप लोगों ने सेटिंग पे क्लिक करना है। जब आप लोग सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है एक्टिविटी लॉग। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्टिविटी लॉग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्टिविटी स्टेटस, एक्टिविटी लॉग। यहाँ पर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास एक इस तरह ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्टिविटी लॉग। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आप लोगों के जो लिखाई नज़र आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने इस तरह के पोस्ट वगैरह किया होगा कि या कमेंट्स किया होगा या ओवर जो है आप लोगों ने इस तरह हल्ती की होगी कि उसके वजह से आप लोगों को अकाउंट रिस्ट्रक्शन आ गया है। पहले अकाउंट वार्निंग आ जाता है, उसके बाद अकाउंट रिस्ट्रक्शन आ जाता है। अकाउंट रिस्ट्रक्शन जो है वो इसलिए आ जाता है क्योंकि आप लोगों का अकाउंट जो है वो कुछ दिनों में वो डिसेबल हो जाएगा। अकाउंट वार्निंग जो आ जाता है, लेकिन आपको पहले वार्निंग देता है, उसके बाद अकाउंट रिस्ट्रक्शन भी आप लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों, इनसे बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने न तो इस तरह के पोस्ट करना है, ये मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, यहाँ पर खुद ही नज़र आ रहा है, आप लोग इसको जो है खुद ही सब कुछ पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पब्लिक पोस्ट, आप लोगों ने इस तरह के पोस्ट वगैरह नहीं करना है जिसमें आप लोगों ने गाली वगैरह किसी ने दी होगी या बंदूक वगैरह या इसमें जंग वगैरह जो है आप लोगों ने शेयर की होगी। तो आप लोगों ने इस तरह के पोस्ट से बचना है, आप लोगों का अकाउंट में इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इसको ख़त्म करना आप लोगों ने कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसमें जो है जिन दोस्तों के नहीं आया है तो उसको जो है चीज़ों से बचना है, या जिन दोस्तों के आया है लेकिन जब रिमूव हो जाए तो इन चीज़ों से दोबारा बचे। आप लोगों ने न तो अब इस तरह के टैग्स वगैरह आप लोगों ने डालना है, न आप लोगों ने इस तरह के स्टोरीज वगैरह आप लोगों ने अपने जो है लगाना है कि इसके वजह से आप लोगों को ये वाला प्रॉब्लम मिले, और न जो है आप लोगों ने पेज वगैरह इस तरह लाइक करना है को उसमें जो है जंग वगैरह या इस तरह के और कोई बात हो जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो, और न जो है आप लोगों ने इस तरह के कोई दोस्त वगैरह को फॉलो करना है या इस तरह पेज वगैरह जो होते हैं आप लोगों ने ना तो उसको फॉलो करना है और ना आप लोगों ने इस तरह के जो है दोस्तों को ऐड करना है जो कि वो इस तरह के पोस्ट वगैरह करते हैं, आप लोगों ने उसको भी ऐड नहीं करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सर्च वीडियो, आप लोगों ने इस तरह की वीडियोज वगैरह सर्च नहीं करना है जिसकी वजह से आप लोगों को अकाउंट रिस्ट्रक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वीडियो सर्च, वीडियो वॉच, आप लोगों ने इस तरह वीडियोज वगैरह भी वॉच नहीं करना है जिसमें गाली वगैरह सब कुछ फेसबुक सब कुछ देखता है। जिन दोस्तों के पास भी ये वाला अकाउंट रिस्ट्रक्शन आ गया है तो उसमें से आप लोगों ने इन चीज़ों में से आप लोगों ने एक गलती तो ज़रूर की होगी जिसकी वजह से आप लोगों को ये वाला प्रॉब्लम मिल रहा है। आप लोगों ने या तो ग्रुप्स वगैरह यहाँ पर इस तरह सर्च किया होगा या आप लोगों ने कमेंट्स वगैरह इस तरह कमेंट्स की होगी जिसकी वजह से आप लोगों को ये वाला प्रॉब्लम मिल रहा है, या आप लोगों ने इस तरह के वीडियोज़ वगैरह को लाइक किया होगा या पोस्ट वगैरह ग्रुप मिक्स की होगी। तो इसको आप लोगों ने ख़त्म कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो योर पोस्ट, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास इस तरह इंटरफेस आ जाता है। तो इसको आप लोगों ने ख़त्म करना है अगर आप लोगों का पोस्ट की वजह से आप लोगों का अकाउंट रिस्ट्रक्शन आ गया है या अकाउंट वार्निंग आया है। तो दोस्तों, इसको आप लोगों ने इसे ख़त्म करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दूसरा ऑप्शन जो है वो है एक्टिविटी ओवर टैग्स। अगर आप लोगों ने इस तरह के वीडियोज या आप लोगों ने इसको कोई टैग्स वगैरह इस तरह दिया है जिसकी वजह से आप लोगों को अकाउंट रिस्ट्रक्शन मिला है, या आप लोगों ने इस तरह वीडियोज वगैरह लाइक की होगी या कमेंट्स किया होगा, तो आप लोगों ने उसको यहाँ से रिमूव करना है। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर है रिमूव, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हो ग्रुप्स,
आप लोगों ने ग्रुप्स इस तरह के हुआ है, आप लोगों ने पोस्ट वगैरह नहीं करना है। अगर क्या है तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और इसको भी उसी तरह आप लोगों ने रिमूव करना है। इसको आप लोगों ने सेलेक्ट ऑल पर करना है और यहाँ पर है रिसाइकल बिंग, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने नीचे आना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड पेज लाइक एंड रिलेशनशिप, आप लोगों ने इस तरह के लोगों के साथ न तो आप लोगों ने इस तरह के फ्रेंड्स वगैरह आप लोगों ने अपने साथ ऐड करना है जो कि वो हालत वगैरह वीडियो शेयर करते हैं, आप लोगों ने डायरेक्ट ही उसको ब्लॉक करना है। इसकी वजह से आप लोगों को अकाउंट वार्निंग, अकाउंट रिस्ट्रक्शन जो है नहीं मिलेगी। अगर मिला है तो आप लोग को इसको इस तरह रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो अकाउंट जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली 30 दिन बाद रिमूव हो जाएगा। लेकिन सारा आप लोगों ने ये करना है कि ये जो पोस्ट आप लोगों ने किया है इसको आप लोगों ने रिमूव करना है। जब आप लोग इसको रिमूव करोगे तो आप लोगों का अकाउंट वार्निंग या अकाउंट डिस्ट्रक्शन खुद ही रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।